कार्तिक पूछ रहे हैं हमसे सवाल, वो पूछ रहे हैं कि क्या न्यूजीलैंड ने ट्रिक मिस कर दी है एक स्पिनर ना खिलाकर यहां पर, क्योंकि भारत दो खिला रहे हैं। बहुत जल्दी है ये कहना, क्योंकि हमने अब तक ऐसा कुछ देखा नहीं कि शायद ट्रैक ड्राई हो जाए थोड़ा, शायद ग्रिप करके टर्न हो, ये कुछ देखा नहीं हमने अभी, तो शायद बहुत बहुत इतनी जल्दी हम कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन जब आपके पास चार बॉलर होते हैं, कॉलिन डे ग्रैंडम को अगर आप गिनते हैं, तो शायद एक स्पिनर का खेलना बनता था वहां पे। मैं अब भी कहूंगा कि न्यूजीलैंड को आखिरी इनिंग्स खेलनी है यहाँ पे, और अगर मौसम ठीक रहा, अगर साउथहैम्पटन में जैसा होता है थोड़ी ड्राई हो गई, दो स्पिनर्स का फर्क पड़ेगा, ये टॉस इतना खराब नहीं था हारने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ 300 बनाने, अगर आप 300 बनाओ ना बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन कार्तिक फिलहाल मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमने सिर्फ दो घंटे का खेल देखा हुआ, जैसे जैसे शायद आज के दिन के समाप्ति पर या शायद कल दोपहर तक हम इसका बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन एक और भी बात है तने के, कभी कभी आपको पता नहीं था ड्रॉप किसको करें, क्योंकि चार इतने अच्छे बोलर हैं आपके पास, तो आप ना आप जरा इंक्रीमेंटल एनालिसिस करते हो। एजाज वैगनर तो बहुत सबसे ज्यादा विकेट लिए, एजाज साउथी ने तो अभी 6 विकेट लिए, तो इसलिए शायद लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, स्पिनर ना हो तो निकल जाएगी बात। लेकिन वैसे स्पिनर है नहीं वहां पे, थोड़ा विलियमसन कर लेते हैं, लेकिन शायद जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन 28 ओवर किए हैं लंच के पहले, तेज गेंदबाजों ने भी